आपने समझा दिया और मैं समझ गई। लेकिन अब ये बताएं कि इस सब के बदले में आप मुझे क्या ऑफर करेंगे? मैं इंतजार कर रही थी कि तुम ये कब पूछोगी। ऑफिस में एक बहुत अच्छी पोजीशन खाली है जॉब के लिए, तुम वहाँ जॉब करोगी और जितने मेरे पर्सनल काम करोगी उसके लिए ठीक ठाक कमीशन भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन उसके लिए तो मुझे यही शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे हाँ, अच्छा है ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ आ जाओ, मैं भी अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ। बस तुम आ जाओगी तो मुझे थोड़ा अपनापन तो लगेगा ना। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप, आपने तो कहा था कि आप अगले हफ्ते हैदराबाद वापस जा रही हैं। भाई सच कहूँ अब मेरा उस शहर में दिल नहीं लगता, जब से तेरे भाई और भाभी चले गए ना दुबई, बस मुझे तो घबराहट सी होने लगती है वहां पे। आपको पता है शाहनवाज को आपका यहाँ रहना खटकता है, फिर क्यों कर रही हैं आप ये? क्या एतराज है उसे, मैं बोझ नहीं हूँ किसी पर, कह देना उसे। अच्छा अच्छा आहिस्ता बोले कुछ सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुने, मैं डरती वरती नहीं हूँ उससे, मेरी बेटी उसका पूरा घर कारोबार सब कुछ संभाल रही है। बुड्ढा खूसट रंडवा, उसे मैंने अपनी जवान खूबसूरत बेटी सौंप दी है, वो इस लायक तो नहीं था इतनी हसीन बीवी का, उम्र में भी तुमसे 25 साल बड़ा है वो, और शक्ल सूरत का भी कोई खास नहीं है, ऊपर से एक्सीडेंट में दोनों टांगे तुड़वा के बैठ गया है लंगड़ा कहीं का। अरे मैं तो अपने जिगर का टुकड़ा उसको सौंप के बैठी हुई हूँ, उसने जरा भी तेरी कदर नहीं की, उसे तो पांव धो धो के पीना चाहिए था तेरे, एक पैसा एक झेला अपनी जायदाद में से उसने तेरे नाम नहीं किया। बस कर दे बस कर दे, रहने दे, सिया पाइएगा। कुछ सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही है।